हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो डिस्क्रीट चार्ज होते हैं, डिस्क्रीट चार्ज मीन्स कि चार्ज अलग अलग जगह पे रखे गए हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके कारण उनके बीच का फोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ देखें। अब हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्क्रीट चार्ज की जगह यदि कंटिन्यूअस चार्ज हो गया, लाइक सपोज करो कि एक रॉड हो गया या एक कोई स्फेयर हो गया या फिर आप कोई स्फेरिकल शेल हो गया। स्फेरिकल शेल समझते हो क्या होता है? ये होता है हॉलो, मींस अंदर से खाली, और ये भरा होता है स्फीयर, जिसको सॉलिड स्फीयर भी बोलते हैं। सो उन सब केस में कैसे होगा उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें फर्स्ट है आपको लाइन चार्ज डेंसिटी। सो ये लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको आप लैम्डा से डिनोट करते हो। ये क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। सो ये देखो, ये लाइन चार्ज लिखा हुआ है मीन्स कि लेंथ से एसोसिएटेड है। सपोज करो कि एक रॉड है जिसका आप लिए यूनिट लेंथ लिए, इसका टोटल लेंथ सपोज करो एल है, और इस पर आपने चार्ज दिया होगा क्यू, ठीक है। सो लैम्डा हो जाएगा क्यू बाई एल। अब देखो क्यू बाई एल का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो कि एल लेंथ में क्यू चार्ज, मीन्स वन लेंथ में क्यू बाई एल चार्ज। अब वन लेंथ क्या हुआ? वन सेंटीमीटर, वन मीटर, वो क्या होगा? सो यदि इसका जो लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप क्या बोलोगे? एक सेंटीमीटर में कितना चार्ज, और यदि लेंथ मीटर में दिया गया है तो एक मीटर में कितना चार्ज। मीन्स कि आपको टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ ही बताता है लाइन चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर भी देखो, यदि सपोज करो कि पॉइंट पी पे आपको चार्ज निकालना है, तो एक आपने एक छोटा लेंथ लिया जिसको आपने डेल्टा एल बोला, इसमें यदि डेल्टा एल में चार्ज यदि डेल्टा क्यू होगा तो लैम्डा कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, मीन्स कि डेल्टा एल लेंथ में डेल्टा क्यू चार्ज, तो एक लेंथ में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल चार्ज। और यदि आपको ऐसे भी समझो, इसका उल्टा वे में समझो, ये भी बड़ा अच्छा है, कि सपोज करो कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन दिया गया है, तो डेल्टा एल लेंथ में या एल लेंथ में जो चार्ज होगा उसको एल से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? सो यदि आपको पॉइंट पी पर कोई चीज निकालना हो तो पॉइंट पी का यहाँ ओरिजिन एक लोगे, ओरिजिन से डिस्टेंस यदि आर से दिखाया गया, और जो लाइन चार्ज डेंसिटी से डिस्टेंस आर डैश से दिखाया गया है, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस आपको आर से दिखाया गया है, तो आर वेक्टर ओरिजिन से जो होगा वेक्टर वो होगा आर इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। इसका सिग्निफिकेंस जब हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब होगा। यहाँ पर यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइन चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी को देख रहे हैं तो उतना नहीं है। अब दूसरा होता है कि सरफेस पर चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस पर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ऐसे दिया गया, मैं इसे सपोज करो कि दिखाता हूँ, एक मान लो कि एक डिस्क है, डिस्क में एक आप सरफेस एरिया लो, डिस्क के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा चीज आप काट दिए, ये रिंग काट दिया सपोज करो, एक मैंने रिंग काटा, डिस्क के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा मैंने रिंग काटा जिसका विड्थ मैंने डेल्टा आर बोला। तो अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या रोल होता है वो देखो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वैसे टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया, और इसको आप किससे डिनोट करोगे? सिग्मा से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? सिग्मा से। सो सपोज करो कि इस पर टोटल चार्ज आपको Q है, तो इसका टोटल एरिया, इसका टोटल, इसका जो रेडियस कैपिटल R है, तो कितना हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा Q बाई पाई R स्क्वायर। ये होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं इस प्रॉब्लम में आपसे पूछूं कि इस रिंग पे कितना चार्ज होगा, तो देखो इसका कैसे रोल प्ले करेगा। So, आप रिंग का पहले एरिया निकालोगे, तो लिखोगे एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? देखो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालोगे, ये एक है आर रेडियस का सर्किल, और इसको कितना रेडियस से फैला, कितना लेंथ से फैलाया गया है, तो
तो डेल्टा आर से फैलाया गया है, तो ये होगा 2πr, ये लेंथ हो गया 2πr और इसको बढ़ा दिया गया डेल्टा आर से इंटू डेल्टा आर, यही एरिया हो गया। और इसको यदि आप सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसी पर चार्ज जो आया डेल्टा क्यू वो आ जाएगा, तो सिग्मा इंटू 2πr डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। समझे या नहीं समझे, ये सब यूजेज होते हैं। अब तीसरा होता है, यदि आप कोई स्फीयर को ले लो, सॉलिड स्फीयर को लो, और उसमें पूछेगा कि आपको जो चार्ज डेंसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। लाइक आप एक स्फीयर ले लो, ठीक है, स्फीयर है जो पूरा अंदर तक भरा हुआ है और इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। अब इस पर यदि चार्ज क्यू दे देंगे तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज कितना है इस पर क्यू, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr³। कोई भी वॉल्यूम वाला चीज में आप ऐसे मत समझो कि चार्ज कैसे, इसके अंदर चार्ज बिल्कुल भरा गया है, उस टाइप से है। अब इसका यूज कहां पर आता है, सपोज करो कि एक हमने इसी स्फीयर को दूसरा फिगर बनाया, ये पूरा भरा हुआ है चार्ज, और इसको हमने, ये आर रेडियस है, इसके आगे हमने डेल्टा आर रेडियस का और इसको बढ़ा दिया, मींस ये पूरा एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया। ये डिस्क मत समझो कि डिस्क है, स्फीयर के ऊपर बना दिया, चारों तरफ से भर गया है, ठीक है। स्फीयर के ऊपर सीमेंट डाल करके सपोज करो या चार्ज डाल के एक लेयर बना दिया है, तब इस केस में इसमें जो चार्ज डेल्टा क्यू निकालोगे वो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो इनटू ये वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका सरफेस एरिया किसी स्फीयर का क्या होता है 4πr², और इसको कितना लेंथ से बढ़ा दिया, डेल्टा आर से, ठीक है। सो ऐसे करके आपको यूज, अच्छा इसका इस सब का यूनिट भी देख लो, इसमें क्या है, चार्ज का यूनिट कूलम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यू, सो कूलम पर मीटर क्यू, इसके लिए कितना हो जाएगा लैम्डा है चार्ज बाय लेंथ, सो कूलम पर मीटर, और सिग्मा के लिए यूनिट कितना हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो मेरे ख्याल में ये समझ गए होगे, बहुत आसानी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला जो देखते हो, देखो यही चीज दिया गया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो आपको एक कंटिन्यूअस बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ एक क्वांटिटी निकालना हो तो कैसे निकालोगे। सो मैं एक वॉल्यूम चार्ज से आपकी किताब में दिखाया गया, मैं उससे बता देता हूँ। देखो सपोज करो कि कोई एक वॉल्यूम ले लो, ठीक है, और ये एक वॉल्यूम ऐसा है, ये मत समझो कि ये एक प्लेन है, नहीं, इसमें एक थिकनेस भी है। थिकनेस को दिखाने के लिए आप ऐसे सोचो, देखो इसमें एक थिकनेस भी है। सो यहाँ पर सपोज करो पॉइंट पी पे निकालना है, सो पॉइंट पी का डिस्टेंस यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, हर एक जगह से अलग अलग है, तो कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, कि इसका एक स्मॉल पार्ट लेना होगा। सो आप इसका एक स्मॉल पार्ट लोगे, इस स्मॉल पार्ट का वॉल्यूम जो होगा ना वो डेल्टा वी होगा, ठीक है। इस डेल्टा वी से इसका डिस्टेंस आपको कितना होगा, आर डैश होगा। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। सो इसी डायरेक्शन में ये जो हो गया आर डैश यूनिट वेक्टर ले लिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε₀ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है, का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में, ठीक है। सो अब देखो क्या हो जाएगा, 1/4πε₀ चार्ज कितना हो गया, ये आप यदि इसका वॉल्यूम मास डेंसिटी रो है और ये वॉल्यूम डेल्टा भी है, तो रो इंटू डेल्टा भी हो जाएगा, हम लोगों ने देखा है। सो रो इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस आर डैश है, सो आर डैश का होल स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। सो यही चीज आपको दिया गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया इसको आपने दिखाया डेल्टा ई से। डेल्टा ई कहने का मतलब क्या हो गया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी। सो आप बोलोगे इसको इलेक्ट्रिक
field due to a small volume delta V. अब ऐसे करके तो ये सबके लिए जो निकालना हो ना, तो सारे ऐसे छोटे छोटे आप जो डेल्टा वी बनाओगे, मतलब ये जैसे एक डेल्टा वी बना, ऐसे दूसरा डेल्टा वी यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा ये बने, तो सारे छोटे छोटे डेल्टा वी निकालोगे और सबको जोड़ोगे. सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक के कारण डेल्टा ई वन आया, दूसरे के कारण डेल्टा ई टू आया, तीसरे के कारण डेल्टा ई थ्री आया, और फिर सबको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे. So, इसीलिए लिखा गया है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1/4πε0 रो डेल्टा वी बाय आर डैश का होल स्क्वायर, आर डैश यूनिट का, यूनिट वेक्टर का. यहाँ पर आपको समेशन लेना होगा, ऑल डेल्टा वी जितने हैं ना सबको आप ऐड कर दोगे, और जैसे जैसे डेल्टा वी का वैल्यू छोटा करते जाओगे, मतलब देखो डेल्टा वी में भी एक यहाँ का पार्ट होगा, एक यहाँ का पार्ट होगा, एक यहाँ का पार्ट होगा, यहाँ का पार्ट होगा, सबके लिए अलग अलग होगा आर डैश का वैल्यू. इसलिए हमको डेल्टा वी को जितना छोटा कर सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि वो एक सिंगल चार्ज की तरह ट्रीट हो पाए. सो डेल्टा वी जब टेंस टू जीरो की तरफ करेगा, तो ये जो समेसन है ना, ये आपको किस में चेंज हो जाएगा, इंट्रीगेशन में चेंज हो जाएगा, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 इंट्रीगेशन. ठीक है, ऑल डेल्टा वी या ऑल वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम रो डी वी, और जो डेल्टा वी है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, डी वी में चेंज हो जाएगा, बाय आर डैश का होल स्क्वायर, आर डैश यूनिट वेक्टर. सो अब यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग देखे ही हैं. ठीक है, सो हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं, गॉस लॉ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है.